चुनाव 2019 का जब से ऐलान हुआ है, जब से ये साफ हुआ है कि किस चरण पर यानी कि किस जगह से किस राज्य का इलेक्शन होगा, सीटों के नाम जैसे ही सामने आए, उम्मीदवारों के नाम जैसे ही सामने आए, तो सबसे ज्यादा इस बार हिंदू और मुसलमान विवाद सुनने को मिल रहा है। हिंदू और मुसलमान करके ऐसा लग रहा है कि कई नेता अपनी झोली में ये वोट लाने के पूरे पूरे तरीके किए जा रहे हैं। तो वहीं आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से हाल ही में हुई प्रियंका गांधी की रैली के बारे में, जो कि सहारनपुर में हुई थी। आपको बताना चाहेंगे कि इस रैली में मौजूद रहे थे कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद भी, और साथ ही साथ रैली में मौजूद रहे थे राहुल गांधी भी। और इस रैली की जहां काफी ज्यादा बातचीत की गई, तो वहीं इस रैली में कुछ ऐसी चीजें हुई जिन पर अब काफी ज्यादा बवाल तक मच गया है। आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इस रैली में जब प्रियंका गांधी निकली थी, तो इस रैली के बीच में पड़ा था एक जैन मंदिर भी। मंदिर के पुजारियों ने तैयारियां की हुई थी, मंदिर के पुजारियों ने थाली वगैरह सब कुछ तैयार की गई थी, और उम्मीद की जा रही थी कि प्रियंका गांधी जैन मंदिर पर रुकेंगी और जैन मंदिर पर रुककर वहां पर दर्शन जरूर करने आएंगी और फिर उसके बाद अपनी रैली को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया। साथ ही इसके बाद कई सारे सवाल प्रियंका गांधी पर तो उठाए गए, लेकिन सवाल उठे हैं इमरान मसूद पर भी। पंडित जो माना, अगर पंडितों की मानी जाए जैन मंदिर के, तो उन पंडितों का साफ साफ कहना है कि इमरान मसूद की वजह से ही प्रियंका गांधी अंदर नहीं आएंगे। यानी कि एक बार श्रुति फिर से हिंदू और मुसलमान होने लग गया है। इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी मुसलमानों का साथ देकर फंस गई है। बिल्कुल अजय, मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो देश है उसको हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा से ही दो गुट में बांटने की कोशिश करते रहे हैं, एक धर्म के नाम पर, दूसरा जाति के नाम पर। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, हमें वोट मिल जाएगा, ये हमेशा से ही देखा जाता है और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत भी है। अब ऐसे में ये चीज सामने आना कि प्रियंका गांधी ने वहां जैन मंदिर में जाकर उन्होंने कोई पूजा पाठ नहीं किया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि अगर आप एक चीज सोचिए, अगर कोई रोड शो हो रहा है उसके दौरान अगर हम काफिले को रोकते हैं, तो ये बहुत लॉजिकल सी बात है कि कोई भी काफिला अगर रुकेगा तो वहां पर उमड़ी भीड़ को आप नहीं रोक सकते हो। वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की सेफ्टी पर भी सवाल उठता वहां पर, क्योंकि वहां के उसके बाद फिर वहां के जो प्रशासन है, जो पुलिसकर्मी थे, उनको काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती, तब जाके जो है प्रियंका गांधी हो सकते हैं जैन मंदिर के पास जाती। अब ऐसे में इन सारी चीजों को एक मुद्दा बनाना, इसको हिंदू और मुस्लिम का विवाद क्रिएट करना, ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट ही है, जो कि ये कहते हैं कि भाई आप आके मुझे वोट दीजिए, क्योंकि आप अगर मुस्लिम हैं तो आप इस पार्टी को वोट दीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो इस पार्टी को वोट दीजिए, और ये देखा जा रहा है। और पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं आंकड़े भी यही बताते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा हुई है, और हर युवा भी यही चीज महसूस कर रहा है कि हिंदू और मुसलमान को बांटने में कोई भी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, लेकिन श्रुति का एक कहना साफ साफ है कि सुरक्षा कारण भी होते हैं। इतनी ज्यादा भीड़, अगर आपने सहारनपुर की वो तस्वीरें देखी होंगी जहां पर प्रियंका गांधी की रैली हुई थी, इस रैली में इतनी ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरा सहारनपुर ही रोड पर आकर खड़ा हो गया है, और कांग्रेस के साथ साथ रैली निकल रही थी, लोग चले जा रहे थे। तो वहीं हो सकता है कि सुरक्षा कारणों के कारण ही प्रियंका गांधी नीचे ना आई हो, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर श्रुति, इमरान मसूद जो कि कांग्रेस उम्मीदवार है, उनको गलत ठहराना क्या ये वाजिब है, या फिर कहा जा रहा है कि रीजन सिर्फ एक ही है प्रियंका गांधी क्यों जैन मंदिर में नहीं, वो रीजन इमरान मसूद ही है? देखिए, इमरान मसूद का आप नाम लेके ये कह सकते हो कि यहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि सहारनपुर में आज मतदान चल रहा है, और अब ये सारी बातों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हटना चाहिए, थोड़ा आके मुद्दों पर बात करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये कह रहे हो कि नहीं, इमरान मसूद की वजह से प्रियंका गांधी जैन मंदिर में नहीं गई, तो ये फालतू के पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस न्यूज़ क्रिएट करने के लिए एक न्यूज़ बना देते हैं कि हाँ ठीक है, प्रियंका गांधी जैन मंदिर नहीं गई, तो प्रियंका गांधी जैन मंदिर क्यों नहीं गई, और ये पहली बार नहीं है। अब प्रियंका गांधी मंदिर जा रही हैं तब ऑपोजिशन को प्रॉब्लम हो रही है, प्रियंका गांधी मंदिर नहीं जा रही हैं तब ऑपोजिशन को प्रॉब्लम हो रही है, अगर प्रयागराज में वो हनुमान मंदिर गई, लेटे हुए हनुमान मंदिर गई, तो ऑपोजिशन को प्रॉब्लम हुई कि अभी ही क्यों उन्हें जो है भगवान याद आ रहे हैं, और अब की बार जब वो नहीं पहुंची तब भी ऑपोजिशन को प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, मुद्दे बनेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं कि असली के मुद्दे पे आना, तो
वो कोई नहीं करते। चाहे इमरान मसूद की ही बात कर ली जाए, अब आप उनके बारे में कहोगे कि इमरान मसूद एक मुस्लिम है इस वजह से वो सहारनपुर में जैन मंदिर नहीं गई क्योंकि इमरान मसूद नहीं जाते थे। अब किसे ये पता है कि इमरान मसूद मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं? ना हमें पता है, ना वहाँ बैठे ऑपोजिशन को पता है कि वो कितनी बार मंदिर जाते हैं या कितनी बार मस्जिद जाते हैं, वो दोनों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये किसी को नहीं पता है। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल बात होती है और ये मेन मुद्दों से जनता को हटाने की बात होती है। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर श्रुति ने, आगे देश को बढ़ाने की बात की जानी चाहिए। मंदिर कौन नहीं गया, क्यों नहीं गया, शायद इसके बारे में बात करने में बाद में भी समय आ जाएगा, लेकिन अगर चुनाव निकल गया तो फिर वैसे के वैसे ही फिर सरकार आएगी, वही वादे वादे धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन बात करनी चाहिए देश को आगे बढ़ाने की। इसके अलावा आज जो मतदान हुआ है सहारनपुर में, उसको देखकर जहां मतदान चल रहा है अभी, तो वहीं उसका क्या रिजल्ट आएगा ये भी देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी फंस जरूर चुकी हैं मुस्लिमों का साथ देकर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, और हमारे चैनल SBN9 News को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।